स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज अपन करेंगे बजाज पल्सर 220 का एयर फिल्टर क्लीन। ये आप देख सकते हैं 220 का एयर फिल्टर क्लीन करके हम आपको डेमो दिखाएंगे। आप भी इसी को देखकर आप अपनी बाइक का एयर फिल्टर क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले इस साइड पैनल को खोलेंगे। आप 180, 150, 220, 200 और भी जो लेटेस्ट बाइक है AS 200, NS इनका भी आप कर सकते हैं। यार देखिए एयर फिल्टर बॉक्स में ये एयर फिल्टर ओपन करने के लिए चार बोल्ट लगे रहते हैं जिनको हम खोल रहे हैं। ये देखिए चारों बोल्ट खुल चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। कोई भी बाइक से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये आप देखिए ये फिल्टर है, इसमें आप देख सकते हैं निकालने के लिए थोड़ा सा ग्रूव बना रहता है ऊंचा। इसको अपन पकड़ेंगे इस तरीके से और बाहर खींच लेंगे। ये आप देखिए फिल्टर का जो वाला हिस्सा यूज़ होता है उसमें आप देख सकते हैं ये डस्ट आ गई है। साइड में आप देखिए इसके आगे एक नेट भी लगा रहता है ये जाली। इसको भी अगर आप ब्रश से क्लीन करके लगा देंगे तो और भी बेहतर रहेगा। एयर फिल्टर के अंदर का दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं कार्बोरेटर का हॉर्स बेंड पाइप लगा हुआ है ये वाला, जहाँ से एयर खींची जाती है और इस साइड से एयर आती है, बीच में ये फिल्टर क्लीन करता है। ये देखिए अब सेंसर लगा हुआ है, बजाज पल्सर 220 में रहता है ये वाला सेंसर, जो कि आपको बताता है मीटर में फ़िल्टर साफ़ होने का हो गया है। हम आपको भी मीटर बताते हैं कि किस तरीके से सेंसर इंडिकेट करता है कि एयर फिल्टर क्लीनिंग करने का टाइम हो गया है। ये देखिए साइड में इंडिकेट कर रहा है, ये एयर फिल्टर टाइप का एक बॉक्स बना हुआ है। ये देखिए आप इस तरीके का इंडिकेशन आने लगता है बजाज पल्सर 220 में। और भी बाइक हैं 200 NS, 200 AS, उनमें इंडिकेट बता सकता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्लीनिंग करने का टाइम हो गया है। सब फिल्टर के अंदर ये जो नेट लगी रहती है जो इसको सपोर्ट करती है प्लास्टिक के, इसको निकालने के बाद उसको पैन में डाल देंगे। या आपके हर एयर फिल्टर के साइज के अलग अलग पैन आप यूज़ कर सकते हैं। पेट्रोल या केरोसिन से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पेट्रोल यूज़ किया हुआ है क्योंकि ये बहुत जल्दी उड़ जाता है। इसको पेट्रोल में डालकर बार बार स्क्वीज करेंगे जिससे डस्ट पार्टिकल निकल आएँ। 3-4 बार करने के बाद ये क्लीन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कितना गंदा हो गया है एयर फिल्टर, उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। एब्जॉर्ब करके इसको बार बार स्क्वीज आउट करेंगे तो डस्ट पार्टिकल अलग हो जाएंगे और आपका फिल्टर क्लीन दिखने लगेगा। ये देखिए इसको आप अच्छे से स्क्वीज कीजिएगा, आप देख सकते हैं फिल्टर अब क्लीन हो गया है। इसमें जो बाउंड्री बनी हुई थी वो चली जा चुकी है। बचे हुए पेट्रोल जिसमें थोड़ा बहुत रह गया उसके लिए आप उसको फिर से स्क्वीज कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कोई किसी कपड़े या पेपर पर रख के इसको प्रेस कर सकते हैं जिससे इसका पूरा पेट्रोल निकल जाए। पेट्रोल अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर इसमें केरोसिन से अगर आप क्लीन कर रहे हैं और केरोसिन अगर रह जाता है और कार्बोरेटर इसको खींचता है केरोसिन को, तो आपकी गाड़ी काला धुआं देने लगती है थोड़ी समय के लिए। तो मेरी अगर आप माने तो पेट्रोल से ही साफ़ करें। ये देखिए नेट अपन वापस लगा दे रहे हैं, ये देखिए आसानी से लग गई है। इसको वापस फिट करेंगे। इसके ऊपर का कैप देखिए, ये कैप है ना जो अपन इसको फिर से लगा देंगे।
अच्छे से एयर फिल्टर को फिट करना है आपको, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये अच्छे से फिट नहीं होगा तो ये वर्क भी अच्छे से नहीं करेगा। अच्छे से फिट करने के बाद ही इसको पैक करें। ये आप देख सकते हैं जो हमने ओपन किया था इसका कैप, उसको वापस लगा रहे हैं। प्रॉपरली इसको चारों स्क्रू को टाइट कर देंगे, उसके बाद पैनल लगा देंगे और आपका एयर फिल्टर का काम पूरा हो गया है। हम आपसे ये बोलना चाहते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी बाइक में, हम आपकी मदद कर सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आप हमसे पूछ सकते हैं। पैनल वापस लगा देंगे, ये अपना पूरा काम हो चुका है फिल्टर क्लीनिंग का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू।